आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा बुधवार शाम को महालक्ष्मी सगड़ा पूजन सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया महिला शाखा के तत्वाधान में उत्कर्ष बिहार कॉलोनी में किया गया। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया महिला शाखा की अध्यक्ष सोना कस्तूरी ने बताया कि जिस प्रकार 16 श्रृंगार एवं 16 संस्कार होते हैं, उसी तरह 16 दिन का महालक्ष्मी त्यौहार घर की सुख शांति, अष्टलक्ष्मी का घर में वास हो, सभी महिलाओं के सुहाग सलामत रहे, इसलिए यह महालक्ष्मी सगड़ा पूजन किया जाता है। क्योंकि महालक्ष्मी माता को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए 16 धागों में 18 गठान लगाकर पीला धागा सगड़ा हाथ में बांधते हैं। 16 दिन बाद समापन पर श्राद्ध के 8वें दिन अष्टमी वाले दिन 16 तरह के स्वादिष्ट व्यंजन 16 कोनों वाली मीठी टिक्की के भोग के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए महालक्ष्मी पूजन किया गया। पूजन के दौरान ब्राह्मणी अंकिता शर्मा द्वारा महालक्ष्मी पूजन कथा सुनाई गई। आयोजक सोना कस्तूरी ने बताया कि इस दौरान सरला मांधवानी, मधु भंभानी, ऋचा वाधवानी, मोना नागवानी, प्रिया कस्तूरी, हिना छावड़िया, शालिनी खियानी, प्रिया आडवानी सहित सिंधी समाज की अनेक महिलाओं ने पूजन किया। ज्ञात रहे कि इंदौर में यह त्यौहार कई सिंधी बाहुल्य क्षेत्रों सिंधु नगर, जयरामपुर कॉलोनी, काटजू कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, लाड़काना नगर इत्यादि जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो सिंधी समाज के महिलाओं ने महालक्ष्मी सगड़ा पूजन किया है, क्या किस तरह का पूजन होता है और ये कहाँ पर और कौन सी संस्था के माध्यम से ये पूरा आयोजन किया? देखिए, सिंधी समाज का ये जो इंदौर में ये आज महालक्ष्मी का त्यौहार, मतलब ये गणेश जी का जैसे ही समापन होता है तो ये 16 दिन का जो रहता है पर्व, 16 दिन 16 श्रृंगार 16 जो चीज़ों का बहुत महत्व रहता है इसमें, पीली वस्तु का, पीले धागे का, 16 गठाने, तो ये जो है एक खुशहाली के लिए, घर की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए होता है। सिंधी समाज की महिलाएं इसमें आती हैं, दिया जला के अपने घर की सुख शांति के लिए आती हैं कि उनके लिए हम मंगल कामना के लिए ये महालक्ष्मी का पूजन करें। तो इसमें हमारा ये उद्देश्य रहता है। अभी आज सिंधी काउंसिल महिला शाखा की पूरी टीम इकट्ठी हुई है, हमारे सरला मानवानी जी जो हमारे राजा मनवानी जी की वाइफ हैं, नगर अध्यक्ष की मधु, मोना सब इकट्ठे हुए हुए हैं हम लोग सारे, कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम ये समाज को संदेश देना चाहते हैं कि ये जो परंपरा हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारे घर परिवार की खुशहाली के लिए ये हमेशा कायम रहेगा। महालक्ष्मी का पर्व हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें आज बहुत आनंद आया। पक्ष में अष्टमी के दिन मनाया जाता है और ये राधा अष्टमी पे बांधा जाता है। जो ये सुत का सगड़ा है ये समृद्धि का है, ये सुख समृद्धि आए घर में और पुत्र प्राप्ति के लिए भी कर किया जाता है। कईयों की मनोकामना रहती है कि वह बांधने से उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, तो वो इसीलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधते हैं। महालक्ष्मी सगड़ा पूजन होता है तो महालक्ष्मी का किस तरह से इसमें पूजन होता है? पूजन रहता है, चौमुखी दिया जलता है और माता की कथा की जाती है, जिससे वह श्रद्धा और भाव से सुनते हैं, जिनसे मनोकामना भी पूर्ण होती है और कई लोग मीठे का प्रसाद भी चढ़ाते हैं जिन जिनकी मनोकामना पूरी होती है, और वह अपने जो भी परिवार वालों से साथ मिलकर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं।
जिसमें पति के सुहाग की कामना की जाती है। सभी कार्य सिद्ध होते हैं।